हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक, योर केमिस्ट्री टीचर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड अ आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, तब हमने देखा था कि जो आइसोमर है वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और उसके फोर टाइप भी हमने तब पढ़े थे. ओके, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड लिंकेज आइसोमर. ओके, अब दूसरा जो टाइप था हमारा आइसोमरिज्म का वो कौन सा था? स्टीरियो आइसोमर. ओके, और उस स्टीरियो आइसोमर्स के भी हमने देखे थे दो पार्ट होते हैं. वो दोनों के बारे में हमें वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करना है. एक तो है हमारा जियोमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, तो पहले देखेंगे हम स्टीरियो आइसोमर्स किसे बोलते हैं, और उसके बाद ये दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया था उसके सब पार्ट के साथ. तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहा जाता है. तो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी सिर्फ किसमें डिफरेंस हो तो उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट में. ओके, स्पेस में जो हम अरेंजमेंट करते हैं, 3D मॉलिक्यूल्स है तो उसकी स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें ही सिर्फ डिफरेंस होगा, देन दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स. ओके, देखो तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इवन सेम कंस्टिट्यूशन, सेम कंस्टिट्यूशन. दे डिफर ओनली, दे डिफर only with respect to the spatial orientation of ligands in space around the central metal atom. ओके, क्या कहा गया है? तो स्टीरियो आइसोमर्स में जो आपकी एंटाइटी थी, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या था, तो एंटाइटी में भी चेंज हो रहा था कहीं ना कहीं, कि जो लिगेंड थे वो एज अ एनायन कन्वर्ट हो रहे थे, एनायन थे वो लिगेंड के तौर पे आ रहे थे. ओके, हमने एंटाइटी में भी कहीं ना कहीं चेंज किया है ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, प्लस हमारी एंटाइटी भी सेम ही रहेगी. हमें एंटाइटी में भी कोई चेंज नहीं करना है. सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, तो उसकी जो 3D में अरेंजमेंट है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है, सिर्फ उसी में हमें क्या करना है, तो चेंज करना है. और उसी से जो आइसोमर्स फॉर्म होंगे उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. ओके, चलो स्टीरियो आइसोमर्स में हमें फर्स्ट स्टडी करना है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, चलो जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है वो देख लेते हैं. आफ्टर दैट हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होते हैं वो भी देखने हैं. ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे नोमेनक्लेचर है इस चैप्टर में से आता ही आता है एग्जाम में, उसी तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमर भी आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा. ओके, चलो तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है. द लिगेंड्स ऑक्यूपाई, द लिगेंड्स ऑक्यूपाई
different positions, different positions around the central metal ion. Okay, उसमें क्या होता है तो उनकी पोजिशन डिफरेंट होती है. जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में लिगेंड की पोजिशन डिफरेंट होगी. ओके चलो, when two identical ligands are coordinated to the central metal atom from same side, then it is cis isomer. ओके, अगर सेम टाइप के लेकिन सेम साइड प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है सीस आइसोमर. उसे सीस आइसोमर क्यों कहा जाता है उसका रीजन देख लेते हैं. तो जो सीस है उसका मीनिंग होता है सेम. सीस जो है वो एक लेटिन वर्ड है. ओके, और जिसका मीनिंग होता है, सीस का मीनिंग होता है सेम. मतलब अगर सेम लिगेंड सेम साइड पे प्रेजेंट है तब उसे कहा जाएगा सीस आइसोमर्स. ओके चलो, तो अगर सेम पोजीशन पर नहीं है तब उसे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं. When two identical ligands are coordinated to central metal atom from opposite side. ओके, तो उसे क्या बोला जाता है ट्रांस आइसोमर अपोजिट साइड. देन इट इज ट्रांस आइसोमर. ओके, अपोजिट साइड पे है सेम तरह के लिगेंड तो उसे बोला जाता है ट्रांस आइसोमर. ओके, ट्रांस क्यों बोला जाता है बिकॉज लेटिन में ट्रांस का मीनिंग होता है एक्रोस. ट्रांस का मीनिंग होता है एक्रोस. ओके चलो, तो मतलब सेम तरह के लिगेंड सेम साइड है तो उसे बोलेंगे हम सीस. सेम तरह के लेकिन अपोजिट साइड है तो उसे बोलेंगे हम ट्रांस. ओके चलो, और क्या है वो देख लेते हैं. अभी जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है वो किस तरह के आइसोमर्स में पॉसिबल है वो देख लेते हैं. ओके, और किस में पॉसिबल नहीं है वो भी देख लेते हैं. तो It is not shown by complexes having coordination number 2, 3 and tetrahedral complexes with coordination number 4 because in such compounds all positions are equivalent. ओके, देखो किस किस में पॉसिबल नहीं है
तो ये जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो 3 हो तब पॉसिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन 4 के लिए पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, जब टेट्राहाइड्रल हो तब, ओके, टेट्राहाइड्रल हो तब ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें सारी पोजीशन क्या है, तो इक्विवेलेंट है, सारी पोजीशन कैसी है, इक्विवेलेंट है, देयरफॉर टेट्राहाइड्रल में जीआई पॉसिबल नहीं है, ओके। चलो, तो वो किस में देखे जाते हैं, तो मोस्टली दे आर सोन इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहाइड्रल, ओके। It is common in square planar and octahedral complexes। Okay, वो किस में पॉसिबल है, तो स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहाइड्रल में पॉसिबल है। सॉरी, ये अलग हो गया, साथ है। अच्छा, तो वन बाय वन हम स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ेंगे जीआई को, और फिर ऑक्टाहाइड्रल के लिए पढ़ेंगे, ओके। तो इस लेशन में, जो इस वीडियो में, हम सिर्फ किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्टाहाइड्रल के लिए पढ़ेंगे, सेम चीज़ जीआई, ओके। जीआई कैसे फाइंड करना है, कितने फॉर्म होंगे, वो सब हम तभी देखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी टेट्राहाइड्रल टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जीआई जीरो होंगे, वो जीआई फॉर्म नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे हमें पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेन, ओके। स्क्वायर प्लेनर में पहले पढ़ेंगे, आफ्टर दैट ऑक्टाहाइड्रल। स्क्वायर प्लेनर मतलब हमारा को किस टाइप की अरेंजमेंट हुई, तो देखो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगी स्क्वायर प्लेनर की। ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ओके। उसके बाद एक लिगेन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमारे चार लिगेन। अगर आप इस चार लिगेन को ज्वाइन करते हो, ओके, देन क्या होगा, यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक स्क्वायर, और वो भी एक प्लेन में, तभी उसे बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर, ओके। अब ये जो है उसमें हम सपोज के पोजीशन मेंशन कर दें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ। हमने देखा कि जीआई दो तरह के होते हैं, एक सीस एंड एक ट्रांस, ओके। तो सीस किसे बोलते हैं, सीस पोजीशन कौन सी है, ट्रांस पोजीशन कौन सी है, वो देख लेते हैं। तो जब दो लिगेंड के बीच में एंगल हो 90 का, ओके, एंगल कितने का हो 90 का, क्योंकि ये सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ओके। ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90 के, मतलब दो एडजेसेंट लिगेंड हो, तब वो पोजीशन कहलाएगी सिस पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन सिस पोजीशन हो जाएगी हमारे लिए, तो देखो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फोर्थ, ओके, चलो फिर सेकेंड थर्ड, फिर सेकेंड वन तो ऑलरेडी आ गई है हमारी, ओके। थर्ड के साथ कौन सी आ जाएगी, फोर्थ, ओके। तो ये जो पोजीशन है, तो ये सारी पोजीशन क्या कहलाएगी हमारी, तो सीस पोजीशन, ओके। मतलब ये दोनों पोजीशन पे कोई हो, ए दोनों पे हो, ये दोनों हो, या फिर ए दोनों पे है, तो ये सारी हमारी सीस पोजीशन है, क्योंकि जिस पोजीशन पे लिगेंड प्रेजेंट है उन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ओके। चलो अब ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांसपोजिशन कौन सी है, ट्रांसपोजिशन तो जहां पे एंगल 180 का होगा तभी अपोजिट साइड होगी। 180 का एंगल यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में 180 का एंगल है, कैसे, तो
तो एक 90, दूसरा 90, तो 90 प्लस 90 180। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ की पोजीशन है वो भी क्या होगी, ट्रांसपोजिशन होगी। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास दो सिस पोजिशन, सॉरी ट्रांसपोजिशन है एंड चार सिस पोजिशन है। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी लिगेंड प्रेजेंट होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सिस ट्रांस आइसोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम कंपाउंड लेके उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने सीस फॉर्म होंगे, कितने ट्रांसफॉर्म होंगे। ओके, फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे एम एल फोर। ओके, और यहाँ पे जो भी प्लस और माइनस चार्ज होगा वो, या कोई भी चार्ज ना हो तो, मतलब यहाँ पे एम एल फोर में क्या है, तो देखो जो एम है वो है सेंट्रल मेटल एटम, और एल जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, और चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं, सेम है। अगर चारों के चारों लिगेंड सेम है तो आप किसी को भी यहाँ से चेंज करोगे तो हमें कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं मिलेगा, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जी आई है वो कैसा आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, यहाँ पे जी आई क्या आएगा, ज़ीरो। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ज़ीरो, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, सेम है। ओके, चलो दूसरे टाइप की बात करते हैं हम। यहाँ पे हम ले लेते हैं एम एल थ्री ए। ओके, मतलब कि थ्री सेम तरह के लिगेंड है और एक डिफरेंट है, या तो फिर एम एल ए थ्री, तो ये भी तो सेम कंडीशन हुई। ओके, कि यहाँ पे एल जो थे वो थ्री थे और ए वन था, यहाँ पे एल वन है ए थ्री है, मतलब कि कोई भी एक लिगेंड जो है हमारा वो थ्री हो और एक लिगेंड एक हो। ओके, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में कितने होंगे हमारे वो देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एम क्या है, तो एम सभी में सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे एल एंड ए दोनों क्या है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे हमारी मेटल के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करने की ट्राई करें तो ये हो गई हमारी सेंट्रल मैटर। ओके, इसके लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, तो ये एल 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 और ये हो गया ए। आप किसी भी एक पोजीशन पे एक को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ अगर मैं ए को रिप्लेस करके यहाँ ले आऊँ, ए को रिप्लेस करके यहाँ ले जाऊँ, या ए को रिप्लेस करके यहाँ पे ले जाऊँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल ही होगा। ओके, इस स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आइडेंटिकल ही होगा। सारी अरेंजमेंट क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे M A L L L, तो देखो ये सारे L तो एडजेसेंट में ही है। ओके, मतलब जो भी अरेंजमेंट है वो इक्विवेलेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। अगर आइडेंटिकल अरेंजमेंट है तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी हमारे जी आई कितने हो जाएंगे, तो जी आई हो जाएंगे जीरो। मतलब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि जिसमें फोर लिगेंड सेम हैं तब भी जी आई ज़ीरो आएंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें थ्री लिगेंड सेम है वन लिगेंड डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में भी जो जी आई है वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। देखो पहले हमने क्या किया, तो लिया हमने ऐसा कंपाउंड जिसमें चारों के चारों लिगेंड सेम थे, फिर लिया कि जिसमें तीन सेम थे एक डिफरेंट था। अब हम ऐसा लेते हैं जिसमें दो सेम हो और दूसरे दो सेम हो। ओके, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो, तब कितने जी आई फॉर्म होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो
एम है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम. एल एंड ए जो है वो क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड. ओके चलो अब देखो ध्यान से. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो एम एल एल ए ए, एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है. ओके अब ये देखो एल एल जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है, ए ए है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है. अगर मैं उसका दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो सकता है, एम ए एल और ए एल ए ए और यहाँ पे ए. ओके मैंने क्या किया, तो एल और ए की पोजीशन चेंज करवा दी. ओके अगर L और A की पोजीशन चेंज करवा दी तो क्या होता है, देखो L L कहाँ पे हो गए, तो अपोजिट पोजीशन में. A A किस साइड पे है, तो सेम डायरेक्शन में है. अगर वो सेम है यहाँ पे तो उसे कहेंगे हम सीस आइसोमर. ओके उसे क्या बोलेंगे, सीस आइसोमर. और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल क्या है, 180 है, देन दे आर नोन एज अ ट्रांस. ओके वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर्स. मीन्स कि जब हमारे पास एम एल टू ए टू टाइप के कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो लिगेंड सेम हो और दूसरे दो लिगेंड सेम हो, ओके और उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर हो, उस कंडीशन में उनके जीआई हो जाएंगे दो. ओके उनके जीआई कितने होंगे, दो, एक होगा सीस दूसरा होगा ट्रांस. ओके क्लियर. नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम. देखो यहाँ पे हम एल ए थ्री के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड हो, ओके और बाइडेंटेड लिगेंड में भी वो लिगेंड के जिसके पास सेम हो, मतलब सिमेट्रिकल हो. ओके बाइडेंटेड लिगेंड और वो भी कौन सा, सिमेट्रिकल वाला, तब क्या केस होगा वो देखते हैं. तो देखो एम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और ए ए जो है वो है बाइडेंटेड लिगेंड. बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड. ओके चलो सिमेट्रिकल लिगेंड है तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो ये हो गया हमारा एम. बाइडेंटेड है मतलब वो दो जगह से बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक तो बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ से, दूसरा बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ से. ओके ये फर्स्ट लिगेंड था, ये दूसरा लिगेंड है. ओके और ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड. ओके दोनों क्या है, सेम है. अगर हमने क्या किया, अगर हमारे पास सेम टाइप के सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ओके तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, इस लिगेंड को यहाँ पे ले आओ, इस लिगेंड को यहाँ पे ले आओ, इन दोनों को इंटरचेंज करो, फिर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. और अगर स्ट्रक्चर सेम रहता है, ओके तो इन दैट केस जी आई कितने हो जाते हैं, जीरो. GI क्या हो जाएगा हमारा, जीरो. ओके देखो इसका हम एग्जाम्पल के साथ मैं एक आपको बताती हूँ. सपोज कि हमारे पास है PT EN2 2 प्लस. ओके तो ये PT हो गया, ये हमारा EN. ओके और ये हमारा EN. चलो EN का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो EN होता है हमारा NH2. ओके NH2 CH2 CH2 NH2. EN क्या है, इथिलीन डायअमाइन है. तो उसके लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये PT, नाइट्रोजन थ्रू हमारी बॉन्डिंग होती है तो NH2 CH2 CH2 NH2. ओके चलो एक और दूसरा
ये ओके. दूसरा भी कुछ इस तरह से ही होगा, NH2 CH2 CH2 NH2 ओके. ये और ये देखो, तो ये जैसा है वैसा ही ये है. अगर इसको मैं फ्लिप करूं, इस NH2 को यहाँ पे ले आओ, इस CH2 को यहाँ पे और इन दोनों को यहाँ पे, लेकिन स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो तो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर ही फॉर्म होगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए GI क्या होंगे, तो जीरो होंगे ओके. अगर AA2 टाइप का है, मतलब बाइडेंटेड है और सिमेट्रिकल है, इन दैट केस जो GI है वो जीरो हो ओके. लेकिन अगर हमारे पास क्या है, बाइडेंटेड है और अनसिमेट्रिकल है ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो देख लेते हैं. तो देखो MAB2 टाइप का ओके. चलो, जहां पे हमारा M तो सेंट्रल मेटल एटम है ओके, और जो AB है वो क्या है, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड ओके. चलो, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो MAB, ये एक साइड का ये हो गया AB ओके. और यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो ओके. चलो, अब मैं क्या करूँ, इस बी और ए की पोजीशन चेंज कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से. यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, MAB. यहाँ पे लिख दूँ मैं बी और ए ओके. मतलब अब क्या हुआ, तो देखो ए के पास था ए ओके, यहाँ पे ए के पास था ए, बी के पास है बी. जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ए के पास बी, मतलब ए सामने वाली पोजीशन पे आ गए, बी आमने सामने वाली पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे आ गए. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा सीस और ये हमारा हो गया ट्रांस ओके. ये क्या हो गया, सीस, और ये हो गया हमारा ट्रांस, सीस और ट्रांस. मतलब कि जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है उस केस में जो है वो GI कितने आएंगे, तो GI आएंगे हमारे दो. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ओके. सपोज के हमारे पास है यहाँ पे PTGLY2 glycinate एंड यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स ओके. अब GLY क्या होता है, तो GLY हमारा होता है ग्लाइसिनेटो. उसका स्ट्रक्चर है हमारा NH2CH2COOH-, राइट. तो यहाँ पे नाइट्रोजन थ्रू एक बॉन्ड फॉर्म होगा, एक ये जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है उसके थ्रू एक बॉन्ड फॉर्म होगा ओके. तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो देखो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा. अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करने जाएं हम, तो उसका कुछ इस तरह से होगा, ये PT ओके. यहाँ पे NH2 CH2 CO और ये दूसरा O जिसके थ्रू यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब दो बॉन्ड फॉर्म हो गए ओके. सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कुछ NH2 CH2 CH2 CO और यहाँ से लिंकेज ओके. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ना. अब यहाँ पे क्या है, तो देखो ये और ये दोनों डिफरेंट है ओके. यहाँ से अगर आप देखो तो ये दोनों डिफरेंट है, मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल है हमारा ओके. ये लिगेंड बाइडेंटेड हो तो है, साथ में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है. मतलब अगर इसको हम ट्विस्ट करते हैं ओके, तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, ये PT. इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे NH2 CH2 CO ओके. और यहाँ पे मैंने दिया ओ सी ओ सी एच टू
NH2। ओके, तो देखो अब यहाँ पे सेम जो टाइप थी हमारी वो सेम साइड पे है, यहाँ पे सेम साइड सेम तरह पे है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो वो अपोजिट साइड में हो गई, मतलब ये एक जो आइसोमर है वो हमारा हो जाएगा क्या, तो सीस सेम तरह के ग्रुप सेम साइड पे है, यहाँ पे सेम तरह के ग्रुप अपोजिट साइड पे है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। मतलब कि जब हमारे पास ऐसा होगा जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड हो लेकिन अनसिमेट्रिकल हो, तो वो कितने GI फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा 2 GI। ओके क्लियर, वो 2 डिफरेंट तरह के GI फॉर्म करेगा। चलो आगे देखते हैं, सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह से, कौन सा आया नंबर, ई के बाद आता है एफ। ओके, हमारे पास है यहाँ पे एम ए ए बी टू। ओके, क्या है एम ए ए बी टू, यहाँ पे एम तो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ए ए है हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, एंड जो बी है वो है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड। अब उसमें कितने फॉर्म होंगे आइसोमर्स वो देखते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे एम, ओके, ये हो गया हमारा ए ए और उसके बीच का ये। ओके, तो ये हमारा हो गया एक ए ए। नाउ यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अब मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ की पोजीशन सेम चेंज करूँ, तो ए के पास है बी, ए के पास है बी, इसको ट्विस्ट करूँ या इन्हें अल्टर चेंज करूँ, लेकिन जो पोजीशन है उसके थ्रू जो भी अरेंजमेंट मिलेगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल ही होगी। सो वी कैन से दैट कि जब हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ओके, तो उस कंडीशन में जो है वो GI कितने आएंगे, GI आएंगे हमारे 0। ओके, GI कितने आएंगे, 0 GI होंगे। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास कुछ दूसरे किस तरह का हो कॉम्प्लेक्स। तो सपोज के यहाँ पे हम बी की जगह ले लें एम ए ए बी सी। ओके, चलो उस कंडीशन में क्या है, तो देखो एम जो है सेंट्रल मेटल एटम है, ए ए हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, और बी एंड सी हमारा हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, बी एंड सी मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, चलो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एम ए ए हमारा एक बाइडेंटेड, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ना सी, यहाँ पे अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ बी एंड सी की, ओके, तो अभी यहाँ पे ए के पास बी है, ए के पास सी है, अगर मैंने इसे इंटरचेंज किया तो भी आ जाएगा ए के पास सी, ए के पास बी, मतलब कि जो एडजेसेंट आइटम है वो एडजेसेंट में ही रहने वाले हैं। ओके, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे और उसके थ्रू स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल ही होगा। दैट्स वाई इसके भी नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 0 होंगे। ओके, उसके भी नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 0 होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रक्चर आप जब अरेंजमेंट चेंज करो तो स्ट्रक्चर सेम आता है या डिफरेंट। अगर आइडेंटिकल है तो GI 0 है, अगर डिफरेंट है तो कितनी डिफरेंट स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं उतने हो जाएंगे हमारे क्या, तो GI हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ना दूसरी तरह का देखते हैं हम, सपोज हमारे पास है एम
ए टू बी सी टाइप का। ओके देखो यहाँ पे क्या है, तो जो यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों है हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके एम जो है वो है हमारा सेंट्रल मेटल एट। ओके उसके लिए अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, तो देखो ये हो गया हमारा एम, ए ए ए। एक बार मैंने यहाँ पे लिया बी, ओके, और दूसरी बार यहाँ पे मैंने लिया सी। ओके यहाँ पे क्या हुआ, ए ए बी और सी, तो ये तो क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब यहाँ पे ए ए जो है आइडेंटिकल लिगेंड है वो कहाँ पे है, तो सेम पोजीशन पे है। यहाँ पे हमें दिखना किससे है, तो यहाँ पे हमें इस ए ए को देखना है, तो ए ए जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। एडजेसेंट पोजीशन पे है तो हम ये कह सकते हैं कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है हमारा, तो सी से। ओके ये गिवन कॉम्प्लेक्स कैसा है, सी से। अगर यहाँ पे हम ये ऐसा करते कि एम ए ए मैंने इस ए और सी को एक्सचेंज कर दिया, नाउ सी ए ए जो है वो कहाँ पे आ गए, तो ए और ए आ गए हमारे ओपोजिट पोजीशन पे। मतलब ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। ओके ये जो है पूरा उसके ऊपर एन प्लस और माइनस, ये सिर्फ जो भी चार्ज होगा प्लस माइनस उसी के लिए लिखा गया है। मतलब ये हो गया सीस, ये हो गया ट्रांस। मतलब जब हमारे पास दो एक तरह के लिगेंड है और दूसरे मतलब तीन लिगेंड है उसमें से एक लिगेंड सेम होगा। ओके दो सेम आइडेंटिकल, चार में से दो आइडेंटिकल लिगेंड होंगे और दो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उस केस में जो जी आई है वो क्या हो जाएगा, दो। उस केस में कितने जी आई फॉर्म होंगे, दो जी आई फॉर्म होंगे। ओके एक होगा हमारा सीस और दूसरा होगा हमारा ट्रांस। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट तरह का हम जी आई देखते हैं, तो उसमें कैसे होंगे, एच के बाय आई हमारे पास है यहाँ पे एम ए बी। ओके और साथ में हो सी बी, मतलब के यहाँ पे एम सेंट्रल मेटल एटम, सी एंड डी हो गए हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके एंड ए बी हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। ओके उस केस में क्या होगा, कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, तो देखो यहाँ पे हम आइसोमर फॉर्म करके देखते हैं कितने फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया हमारा एम ए बी, एक हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, उसके साथ सी और डी। देखो यहाँ पे क्या है, तो ए के साथ है सी, बी के साथ है डी। ओके लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा एम ए बी, तो उसकी जगह पे ही रखे, या फिर आप इसे इंटरचेंज करो, दोनों में से एक को इंटरचेंज करना है, दोनों को साथ में करोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके मतलब किसी एक को इंटरचेंज करते हैं, तो अब देखो उसमें क्या हो रहा है, तो ए सी जब एडजेसेंट पे थे तब हम सपोज उसे बोले क्या सीस। ओके ए और सी जब साथ में एडजेसेंट पे है उसे अगर बोले हम सीस, तो ये हो जाएगा उसके लिए ट्रांस। ओके उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांस। ओके हमने यहाँ पे किसे मेंशन किया है, तो यहाँ पे हमने ए और सी के कंपेयर में देखा है, ए और सी के कंपेयर में। ओके तो ए और सी साथ में है तो सीस, और अगर वो अपोजिट में है तो ट्रांस।
ओके, या फिर आप बीबी को भी लेके कर सकते हो। अगर आप इससे ट्रांसकाउंट करोगे तो ये हो जाएगा सीस। मतलब कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है तो आपको दो जीआई मिलेंगे। ओके, दो जीआई मिलेंगे, एक होगा सीस और दूसरा होगा ट्रांस। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं, और अब हमें इस स्क्वायर प्लेनर के लिए लास्ट देखना है। ओके, कौन सा वाला है? एम ए बी सी डी, मतलब चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट तरह के हो तो कितने आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे एम है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ए बी सी एंड डी चारों के चारों है मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, जितने भी पॉसिबल थे हम यहाँ पे फॉर्म कर दिए। हमारा लास्ट वाला है स्क्वायर प्लेनर के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए यहाँ पे देखो, पहला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये हो गया एम, ए बी सी एंड डी। ओके, चलो क्या हुआ, एम ए सी बी एन डी, ए बी सी डी, ये हमारा हो गया पहला। ओके, चलो अगर हम किसी एक को भी यहाँ पे ले लें, ओके, हम अगर यहाँ पे ए बी को साथ में रखते हैं, हम किसे साथ में रखे हैं, ए बी को, ए बी को लेके हम स्ट्रक्चर दो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए बी अगर पास में है तो उसे बोलेंगे हम सिस। ओके, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, एम ए बी, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। तो देखो अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे हो गया कुछ इस तरह से, ए और बी आ गए हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, चलो अब और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो देखो, यहाँ पे ए बी के साथ है और साथ ही में ए और सी साथ में है। ओके, यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैंने ए बी बी डी की पोजीशन चेंज करने की जगह कर दिया सी डी की पोजीशन चेंज, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, एम ए बी, यहाँ पे आ गया डी और यहाँ पे आ गया सी। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पास पास है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर में क्या था, तो पहले स्ट्रक्चर में ए के पास था सी, दूसरे स्ट्रक्चर में भी ए के पास है सी, लेकिन यहाँ पे ए के पास है डी। मतलब ये फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे ए के पास है सी, यहाँ पे ए के पास है डी। बी ए बी जो है दोनों एडजेसेंट पे है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी आ गया, मतलब कि ये दोनों में भी चेंज है। ओके, तो ये हमारे जो है सारे के सारे पॉसिबल थ्री स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं हम। ओके, हमने क्या किया, तो यहाँ पे ए बी को हमने ले लिया, पहले हमने उसे एडजेसेंट पे रखा, फिर वो ट्रांस में गया, फिर इसी के थ्रू हमने इसे एडजेसेंट में रखा, सिर्फ इसकी पोजीशन इंटरचेंज की। ओके, तो हमें टोटल थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर मिले। अब जिस पैर को हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सीस, क्योंकि ए बी एडजेसेंट में, ए बी यहाँ पे कैसे है तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रांस, ए बी यहाँ पे एडजेसेंट में है, मतलब ये हो जाएगा सीस। ओके, तो जब हमारे पास चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है उसके लिए जीआई कितने होते हैं, थ्री, दो होते हैं सीस, एक होता है ट्रांस, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके, आपके एग्जाम में इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने आपको आ सकते हैं, जितने भी हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक पेज में लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, तो हम एक टेबल फॉर्म कर देते हैं जिसमें हो हमारा टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप, और यहाँ पे लिखते हैं कि जीआई कितने फॉर्म करता है। ओके, जब कोई नहीं फॉर्म करेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब होंगे तब देख लेंगे कि किस किस तरह के होते हैं। ओके, चलो, तो पहला हमारा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलो, पहला टाइप था हमारा ML4। ओके,
उसमें जी आई थे जीरो। दूसरा टाइप है हमारा, हमने देखा था एम एल थ्री ए, और वी कैन से दैट एम ए एल थ्री सॉरी ए थ्री एल, दोनों सेम ही है। ओके एल ए थ्री एल और एल थ्री ए, तो उस कंडीशन में भी जी आई थे हमारे जीरो। ओके पहले जीरो वाले में सारे लिख लेती हूँ। फिर होता है हमारा एम, हमने देखा एल टू ए टू, उसमें दो जी आई थे, एक सीस था एक ट्रांस था। ओके एक सीस और एक ट्रांस, दोनों मिला के दो जी आई हुए। ओके चलो, उसके बाद हमने देखा एम ए ए टू, ओके तो उसके भी नंबर ऑफ जी आई थे जीरो। फिर हमने देखा एम ए बी टू, ओके उसके भी दो जी आई थे, एक सीस और एक ट्रांस। फिर हमने देखा एम ए ए बी सी, ओके उस कंडीशन में क्या था, तो जीरो जी आई। अगर हमारे पास है एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, तो उस कंडीशन में जी आई फॉर्म होंगे दो, एक सीस एक ट्रांस, मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड होगा तो वो फॉर्म करेगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास है एम ए टू बी सी, ओके ए टू बी सी की कंडीशन में भी जी आई है जीरो। फिर हमने देखा एम लास्ट वाला लिखे थे पहले ए टू सॉरी ए बी सी डी, उसमें थ्री जी आई पॉसिबल है, दो सीस होते हैं और एक होता है ट्रांस। फिर कौन सा रह गया, एक मिनट हम देख लेते हैं। ओके फिर हमने बीच में ये भी देखा था एम ए ए बी टू, ओके उसके लिए भी जी आई कितने थे, जीरो थे। ओके तो ये सारे हमने देख लिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा दो जी आई। ओके जब ए टू बी सी टाइप का होगा तब दो जी आई फॉर्म होंगे, एक होगा सीस एक होगा ट्रांस। तो टोटल हमने स्क्वायर प्लेनर में इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखे। ओके एम एल फोर एम एल थ्री ए या फिर एम एल ए थ्री एम एल टू ए टू एम ए ए टू एम ए ए बी टू एम ए ए बी सी एम ए बी सी डी एम ए टू बी सी एम ए बी सी डी एंड एम ए ए बी टू। ओके तो इतने तरह के हमने यहाँ पे देखे हैं कॉम्प्लेक्सेस। ओके और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मैंने आपको जी आई बता दिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि स्क्वायर प्लेनर में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हो तो आप देख लो कि वो किस टाइप का है, उसके कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ओके उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्टाहाइड्रल देख लेंगे। ओके ऑक्टाहाइड्रल देखने के बाद हम फिर प्रैक्टिस करेंगे जी आई ड्रॉ करने की। तो ये स्क्वायर प्लेनर में आपको कैसे जी आई फॉर्म होते हैं, कितने जी आई फॉर्म होते हैं वो आपको पता चल गया हो। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।